अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करें। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आने जाते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है सेकंडाबाद हशमतपेट से, जहां पर एक मस्जिद की जमीन है। उस मस्जिद को जो है वहां के मुकामी लीडर्स बड़ा करने नहीं दे रहे, यानी वहां के मुकामी लोग जो है उस मस्जिद को बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद लीडर्स है जो अपने ज़ाती मफाद के खातिर उस मस्जिद को बड़ा करने नहीं दे रहे हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं जो है हमारे हैदराबाद या सिकंदराबाद की तरफ से हिंदुस्तान के मुसलमान आज कहीं ना कहीं खतरा महसूस कर रहे हैं। तो बहरहाल आइए, अल्लाह का घर हो मस्जिद या फिर कब्रस्तान हो, हर जगह जो है चंद ऐसे सियासी लीडर्स की जानिब से हरासानी की जा रही है, सताया जा रहा है, खबरों को मिटाया जा रहा है, मस्जिदों की ज़मीनों को कब्जा कर बेचा जा रहा है। बहरहाल हर कहीं ना कहीं इस तरह की गुंडागर्दी देखने में आ रही है। एक बार नहीं 100 बार दुआ कीजिए हैदराबाद के मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला जो है हैदराबाद या सिकंदराबाद के मुसलमानों को नेक अकल दे, अकल सलीम दे, और साथ ही साथ जो है यहाँ के मुसलमानों की भी हिफाजत फरमाए। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं सिकंदराबाद हशमतपेट से। तो डिमोलिश ऑर्डर है इनके पास और बफर जोन का NOC है इनके पास और FTL लाइन का NOC है इनके पास। सारे चीज रहने के बाद भी बार बार इनको हरासमेंट कर रहे हैं और इधर से बल्दिया वालों को भेज रहे हैं, इधर से आगे फिर बात करके जो सो इनसे पैसे भी ले रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे करके अब तक 17 लाख रुपए इनसे ले चुके हैं उमर कुरैशी और उनका बेटा साथ कुरैशी, समझे। तो ये है MIM के लीडरों का करतूत, जो सो मस्जिद को रोक के पैसे ले रहे हैं। तो हम ये क्या किस तरीके से जो सो बोलेंगे कि ये पार्टी जो सो कलमे की बुनियाद पर काम कर रही है, मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों की जमात है, मस्जिद को रोक रही है। ये अफसोसनाक वाकया जो है सो आपके हशमतपेट में पेश आया है। तो मैं आके यहाँ पे सर्वे करा और ये मंजर यहाँ पे लाने का मकसद ही ये है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम उनके नाम पे आज कंप्लेन कर रहे हैं एरिया पीएस में। उनका ऑनलाइन ट्रांसफरेशन जो भी ट्रांसफर कर रहे थे वो पूरा एविडेंस है, उनके फोन रिकॉर्डिंग है, उन्होंने बात करके पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो बल्दिया वालों को मिसगाइड करके जो ट्वीट कर रहे हैं लोग, जो भी मैसेज भेजे वो मैसेजेस है हमारे पास। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोक रहे हैं इलीगल किस तरीके का? इलीगल यानी कि लैंड इलीगल है बोल रहे हैं या कंस्ट्रक्शन इलीगल है बोल रहे हैं या FTL लैंड है बोल रहे हैं, क्या उन लोग का बोल रहे हैं? यहाँ पे वही बोल रहे हैं, यहाँ पे जो सो ये बफर जोन है और ये जो FTL लैंड है, यहाँ पे जो सो मस्जिद बना रहे हैं, इधर से बोल रही है फिर इधर से आगे पैसे ले रहे हैं। एक शहर है, किसी से कर रहे और यह एक मस्जिद नहीं है, इसके पीछे भी ये बस्ती के पीछे कट्टा बोल के क्या है, कट्टे के पास भी एक मस्जिद का काम ऐसे रोक दिए लोग, समझे ना। मस्जिदों को रोक के जो सो अपने पेट पाल रहे हैं लोग, बाबा बेटे दोनों मिलके पूरे एरिया में जुलम करे हुए है। तो हम जो सो हुकूमत तेलंगाना से 12 बजे ट्रांसफर करने से इनको अमाउंट इनके बेटे के अकाउंट में दरखास्त करते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारे भाई आपको डिटेल बोलना चाहे तो बोलिए, क्या बोलना है आपको? कोर्ट बोल रही है, जो गवर्नमेंट बोल रही है, हम उसके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर लेके आए, रेवेन्यू के ऊपर, GHM के ऊपर हम लोग क्या ऑर्डर लेके आए, नॉट टू इंटरफेयर, नॉट टू डिमोलिश, स्टेटस को भी नहीं होता। अब इन लोग क्या कर रहे बोले तो, यहाँ पर मस्जिद बन रही, मस्जिद का बुनियाद चल रहा, GHMC को इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल मस्जिद चल रहा बोल के इमीडिएट बल्दिया वालों को ट्वीट करके, बल्दिया GHM डिपार्टमेंट वालों को कम से कम 150-200 बार ट्वीट करते जा रहे हैं। डिपार्टमेंट क्या मसला है, हमारा कंप्लेंट दिया, मैं बोल रहा हूँ मस्जिद है उधर, नया हाथ लगाना बोलो तो भी वहाँ पर आपको बताया, मैं मस्जिद का पूरा बेसमेंट तोड़ के गए, इनको जरूरी शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। मस्जिद ऑर्डर कम से कम 6 महीने होगा, 6 महीने से एक्सटेंड ऑर्डर हो रहा मेरे को कंटिन्यू, आप प्रेजेंटेड भी एक्सटेंड ऑर्डर है मेरे को, एक्सटेंड ऑर्डर है, बल्दिया वाले कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, पूरा प्रूफ है। और वो मैं आपको वीडियो भी बताया, पूरे गाड़ियां आ रही, बुलडोजर आई, GHM से है, पूरे मदरसे के बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं इनके ऊपर, जो आज कर रहे हैं इनके नाम पे कंप्लेंट कर रहे हैं। तो जोनल कमिश्नर से भी जो है हमारी ये डिमांड है कि बल्दिया वाले जो है सो कोर्ट के अगेंस्ट, जो है कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी जाके आके यहाँ पे बेसमेंट तोड़ दिए मस्जिद की, ये इसके उमर कुरैशी की बातों में आ गई, बस अब उन लोगों के ऊपर हम केस करने वाले हैं इंशाल्लाह। और तेलंगाना हुकूमत से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। पैसे दे दिए तो हमारा मुंह बंद हो जाता, बोल रहे हैं
ये रिकॉर्डिंग में है, ये रिकॉर्डिंग आपको भेजा दूंगा। उनको पैसे दे दिए तो मुंह बंद हो जाता था, पैसे दे दिए तो उनका मुंह बंद हो जाता था। और कितने पैसे का डिमांड कर रहे हैं? और अभी उनको और एक 5-6-10 लाख का डिमांड कर रहा हूँ। एक बार दिए, दो बार दिए, दो बार दिए, आते जा रहे हैं, इधर से पैसे ले रहे हैं, दूसरे दिन बल्ले वालों को भेज रहे हैं। ऑफिशियली अब मीडिया में डाल दे रहे चीज। अरे असमट पेट पूरा ये काम कर रहे हैं सभी लोग। असमट पेट में हर जगह जाना, ट्वीट करना, पैसे लेना गरीब लोगों से, सब कुछ कर रहे हैं। पीछे दूसरी मस्जिद पीछे कट्टे के पास भी एक मस्जिद है, वो मस्जिद का काम भी रुका है। और कुछ बोले तो क्या है, पहले खड़ते मस्जिद के लिए बोलते हैं, ये काम करते हैं लोग, इनका काम ही यही से लोगों का। देखिए MIM के जो कॉर्पोरेटर्स है, ओल्ड सिटी में हैदराबाद में मशहूर है, डेनिश की लाइन, वाटर लाइन पे पैसे ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसे ले रहे हैं। अब इंतहा ये हो गई कि मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी पैसे ले रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, आपके पार्टी के जितने भी लोग हैं ऐसा काम करने वाले हैं, आप अपनी पार्टी का नाम को खराब होना चाह रहे हैं तो उनको रखिए पार्टी में, या तो अपनी पार्टी में से ऐसे लोगों को निकाल दीजिए। और हम तेलंगाना हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शन और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करें। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करें और देख काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल, अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।